In the name of Allah who is the most beneficent and merciful. Friends, आज जो हम टू numericals करने जा रहे हैं ये बहुत ही important numericals हैं chapter number 12 के और relating zero field location, यानी zero field location जिस जब electric field की value zero होती है इनके related ये टू numericals हैं. These are very important. Look at this statement here. Two positive point charges Q1 16 microcoulomb and Q2 4 microcoulomb are separated by a distance of 3 meter. Find the spot on the line joining the two charges where electric field is zero. अब सुनो यहाँ पे given है जी charges Q1 16 microcoulomb micro mean 10 minus 6 coulomb और Q2 is equal to 4 microcoulomb 4 into 10 minus 6. जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास Q2. इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर डिस्टेंस, यानी दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि द चार्जेस आर सेम, जैसे ये Q1 भी पॉजिटिव है Q2 भी पॉजिटिव है, तो अंडरस्टूड है कि जीरो फील्ड लोकेशन का जो रीजन होगा ये स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में होगा किस जगह पे. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Q1 की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है 16 माइक्रोकूलम है, तो अंडरस्टूड है कि इसका जो डिस्टेंस है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी. तो इस एंड में ये पॉइंट P जो है इसका डिस्टेंस ये वाला जो है ये ज़्यादा होगा Q1 से, और Q2 इसका आप देख रहे हैं कि चार्ज की वैल्यू कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, तो इसलिए आप ये कहते हैं कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट पी का इससे डिस्टेंस जो है वो कम होगा. तो यहाँ से आप ये कहते हैं कि ये 3 मीटर जो है दैट इज द टोटल डिस्टेंस, और हमने ये सपोज किया कि ये पॉइंट पी ऐसा पॉइंट है कि जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है या जीरो फील्ड लोकेशन यहाँ पे लाई करता है, तो टोटल डिस्टेंस जो है 3 मीटर है. और हमने यहाँ पे सपोज किया कि Q2 का डिस्टेंस जो है इस पॉइंट पी से जीरो फील्ड पॉइंट से ये डी के बराबर है, तो ये डिस्टेंस कितना बन गया स्टूडेंट्स, 3 से डी को माइनस करेंगे तो इट बिकम अ 3 - d. अब स्टूडेंट्स जीरो फील्ड लोकेशन वो पॉइंट होता है जिस जगह पे द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आई मीन बोथ आर इक्वल, यानी फॉर जीरो फील्ड लोकेशन E1 इज इक्वल टू E2, यानी जिस जगह पे टू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है बोथ भी कम इक्वल, तो ये पॉइंट जीरो फील्ड लोकेशन को जार करता है. अब इनकी वैल्यूज को यहां पे लिखते हैं. E1 का फार्मूला होता है 1/4π ε0 Q1 ओवर यहां पे लिखेंगे इसका डिस्टेंस. अब इसका जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं दैट इज Q1 का डिस्टेंस है 3 - d, तो ये 3 - d स्क्वायर आ जाएगा. अब सुनो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं 1/4π ε0 Q/r². तो Q1 डिस्टेंस जो है Q1 चार्ज का डिस्टेंस 3 - d है, तो Q1/3 - d स्क्वायर. और इसी तरह E2 के लिए भी आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है 1/4π ε0 Q2, और इसका Q2 का डिस्टेंस आप देख रहे हैं जीरो फील्ड पॉइंट से कितना है, डी के बराबर है, तो यहाँ से डी स्क्वायर आ गया. अब यहाँ पे देखें तो 1/4π ε0 से 1/4π ε0 कैंसिल हो गया और यहाँ से रह गया Q1/3 - d स्क्वायर, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव Q2 एंड इट इज इक्वल डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. अब Q1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है दैट इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम 16 × 10 - 6 और यहाँ से 3 - d और ये स्क्वायर होगा. और Q2 की वैल्यू देख रहे हैं 4 माइक्रोकूलम माइक्रो मीन 10 - 6 और यहाँ से डी स्क्वायर. अब 10 - 6 जो है 10 - 6 से कैंसिल आउट हो गया और ये 16/3 - d स्क्वायर और यहाँ से 4/d स्क्वायर. व्हाट इज आवर टारगेट, आवर टारगेट इज डी. डी हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों एंड्स पे आप स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो यहां से रह गया 4/3 - d और इस एंड पे देखें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और यहां पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे d आ गया. अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया जी 4d और यहां से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स टू बी 6 - 2d. दोबारा से देखें स्टूडेंट्स,
हम बात करें इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये बन गया 4/3 माइनस डी, और यहाँ से आप इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे 2/d, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू गेट 4d, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 6 - 2d। अवर टारगेट इज स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हमने d की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास रिलेशन है 4d इज इक्वल टू 6 - 2d। अब ये 2d इधर नेगेटिव है, इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इट बिकम अ पॉजिटिव, ये 6 आ गया और यहां से 6d इज इक्वल टू 6 के इक्वल। व्हाट्स अवर टारगेट, अवर टारगेट इज d, तो आप यहां से 6 को 6 पे डिवाइड कर दें तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन आ गया, दैट इज 1 मीटर। तो यहां से हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जीरो फील्ड लोकेशन का जो पॉइंट है, ये स्टूडेंट्स पॉइंट पीक, इसका डिस्टेंस चार्ज Q2 से किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है, और Q1 से कितना है स्टूडेंट्स, दैट इज 2 मीटर, यानी 3 - 1 यू गेट 2 मीटर। सो दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सो ये जीरो फील्ड लोकेशन का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, सो d इज इक्वल टू 1 मीटर, इट इज फ्रॉम चार्ज Q2, और चार्ज Q1 से देखेंगे तो 3 - d, ये आप माइनस करेंगे तो इट्स डिस्टेंस इज 2 मीटर। सो दैट्स द केस। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अनदर क्वेश्चन इज देयर एंड इट इज रिलेटिंग विद जीरो फील्ड लोकेशन एज वेल। लुक एट द केस हियर, 2 point charges Q1 - 1 × 10 - 6 coulomb एंड Q2 इज इक्वल टू 4 × 10 - 6 coulomb आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, फाइंड एंड जस्टिफाई जीरो फील्ड लोकेशन। अब स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन से ये डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे चार्जेस जो हैं दे आर अनलाइक चार्जेस, एक नेगेटिव है Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है। जब चार्जेस अनलाइक हो तो स्टूडेंट्स जीरो फील्ड लोकेशन जो है वो या इस एंड पे होगा या इस एंड पे होगा, ये बात आपने ध्यान रखना। जब चार्जेस लाइक हो तो इन दोनों के दरमियान किस जगह पे पॉइंट होगा जीरो फील्ड लोकेशन का, लेकिन जब दोनों चार्जेस जो हैं वो अनलाइक हो तो जीरो फील्ड लोकेशन का जो रीजन है वो इस एंड पे भी हो सकता है और दूसरे एंड पे भी हो सकता है। तो Q1 यहाँ पे गिवन है, Q2 गिवन है, x इज आवर टारगेट, x की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। तो अब स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने यहाँ पे सपोज किया कि जीरो फील्ड लोकेशन का जो P पॉइंट डिस्टेंस है जीरो फील्ड लोकेशन के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, तो ये इसका हमने ये सपोज किया कि इसका डिस्टेंस जो है दैट इज x फ्रॉम Q1, और इसका Q2 से डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, x+3 होगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। इसका हमने ये सपोज किया कि पी जीरो फील्ड पॉइंट है, इसका Q1 से डिस्टेंस जो है वो एक्स है, और इस पॉइंट पी का Q2 से डिस्टेंस कितना होगा, x+3, क्योंकि दोनों चार्ज के दरमियान डिस्टेंस 3 है, इसमें x ऐड करेंगे तो x+3। अब यहां पे भी सेम कंडीशन अप्लाई कर दें फॉर जीरो फील्ड लोकेशन, फॉर जीरो फील्ड लोकेशन स्टूडेंट्स, जीरो फील्ड लोकेशन के लिए हम जानते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज बोथ आर इक्वल, यानी जीरो फील्ड लोकेशन की जो मैग्नीट्यूड्स हैं ये दोनों बराबर हैं, E1 इज इक्वल टू E2। अब वैल्यूज लगा दें, 1/4π ε0 Q1/, इसका जो डिस्टेंस है आप देख रहे हैं ये x के बराबर है तो x के आ गया, और इसी तरह ऑन दी अदर साइड पे 1/4π ε0 Q2। अब इसका जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसका डिस्टेंस किसके बराबर है जी, इस पॉइंट पी का Q2 से डिस्टेंस जो है दैट इज x+3 स्क्वायर, तो यहाँ से आप x+3 स्क्वायर लगा दें, तो 1/4π ε0 Q1/x स्क्वायर आ गया, 1/4π ε0 Q2/, इसका जो डिस्टेंस है ये आप देख रहे हैं दैट इज x+3, और ये x+3 स्क्वायर लगा दें, 1/4π ε0 से 1/4π ε0 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू लगा दें, Q1 की वैल्यू है। अब मैग्नीट्यूड आपने चार्ज की लेनी है, यानी पोलैरिटी जस्ट डायग्राम ड्रा करने के लिए आपने शो करना है, अदरवाइज इसकी मैग्नीट्यूड जब फार्मूले में लगाएं तो वो मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो ये -1 नहीं होगा, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट्स 1 × 10 - 6 के 10 - 6 और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और इसी तरह Q2 की वैल्यू है 4 × 10 - 6, और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज x+3 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो आप ये कह सकते हैं कि 10 - 6 इज कैंसल्ड बाय 10 - 6, 1/x²
4 ओवर x प्लस 3 स्क्वायर, यानी ये 1 ओवर x स्क्वायर आ गया और 4 ओवर x प्लस 3 स्क्वायर आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों एंड्स पे आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो ये बन गया 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 3, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया x प्लस 3। नाउ यू विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ से ये रह गया 2x इज इक्वल टू x प्लस 3। टू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब x को इधर शिफ्ट कर दें तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x बराबर किसके हो गया स्टूडेंट्स, 3 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास इस जीरो फील्ड लोकेशन का जो डिस्टेंस है ये चार्ज q1 से स्टूडेंट्स इट्स आंसर इज 3 मीटर और q2 से इसका आंसर जो आएगा q2 से दैट इज 6 मीटर। तो स्टूडेंट्स दैट वाज आवर टारगेट, यानी हमने जीरो फील्ड लोकेशन का डिस्टेंस जिसे हमने x का नाम दिया था ये हमारा टारगेट था। तो आपने इस तरह से इन न्यूमेरिकल्स को स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस तरह से करना है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और ये मोस्टली बोर्ड के पेपर में ये न्यूमेरिकल्स लाजमी आते हैं स्टूडेंट। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।